Good morning, children. Welcome to EBS class. This is your second chapter. Plants produce food for us. पौधे जो उत्पादन करते हैं हमारे लिए वो क्या होता है? भोजन होता है. वो भोजन वो हमारे लिए फूड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. By the end of this lesson, you will be able to. Able means you can. इस पाठ के अंत तक आप हम ये जो चीज़ अब हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में समझने लगेंगे. हम इस चैप्टर में क्या रीड करेंगे. Now which know which part of the plant makes food and how. आप जानते हैं पौधों का कौन सा हिस्सा भोजन बनाता है. नो पार्ट्स ऑफ ए लीफ एंड इट्स फंक्शंस. और जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके कुछ हिस्से होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो इंटरडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? परस्पर निर्भर, एक दूसरे से इंटैक्ट करना. तो प्लांट्स और एनिमल कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे समझेंगे उसके बाद लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि पत्तियाँ अपना भोजन कैसे बनाती हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर गेट एक्टिव. पहले एक एक्टिव रहेंगे, पहले हम एक चीज़ देखेंगे. देखो ये क्या है, ये एक प्लांट है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फंक्शन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर गिवन ब्लो. मैच द फंक्शंस टू द पार्ट ऑफ ए प्लांट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फंक्शन होते हैं उनके जो कार्य होते हैं. एक पौधे के जो पौधे के प्लांट्स के कार्य होते हैं उसके क्या होते हैं? पार्ट्स भी होते हैं. हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और मैच करेंगे. फंक्शंस, इट होल्ड्स द प्लांट फार्मली टू द ग्राउंड. जो भूमि को अच्छे से जकड़े हुए होती है, जो भूमि को अच्छे से जकड़े हुए होती है वो क्या होती है? रूट. ये हमारी जो मिट्टी के नीचे जो होती है ये हमारी रूट्स होती हैं. इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. प्रिपेयर जो भोजन बनाती है, भोजन कौन बनाती है? लीफ. कौन बनाती है? लीफ. तो आप इसको ऐसे मैचिंग करेंगे. इट कीप्स द प्लांट अपराइट. जो रूट्स के ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो जस्ट हमारी रूट्स से जो मिट्टी के ऊपर होती है ये हमारी क्या होती है? स्टेम होती है. इसको हम स्टेम से मैचिंग करेंगे. ऑल ऑफ अस ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डू दे कम फ्रॉम. ऑल ऑफ अस ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम सभी फल और सब्जियां खाते हैं. बट मीन्स लेकिन. क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ से आते हैं? ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. ये कहाँ से आते हैं? जितने भी सभी जो फल और सब्जियां हैं जो हम खाते हैं वो सभी पौधों से प्राप्त होते हैं. द एनिमल वर्ल्ड आल्सो डिपेंड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. जंतु जितने भी जंतुओं का संसार है वो भी अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली वे से हो. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जीव, वो सभी क्या बोलते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर. इनको क्या बोलते हैं? हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं उत्पाद करते हैं. लेट अस स्टडी इन डिटेल्स हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं.
फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, जो फूड है भोजन कैसे अपनी प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं पौधों से अपना भोजन बनाने के लिए। पौधे भी तो भोजन बनाते हैं, अब वो कैसे बनाते हैं अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स। पौधों में भोजन तैयार करने के लिए पानी पानी और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज़रूरी है। द लीव्स दैन यूज दिस मिनरल्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट। इसके बाद क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, पौधों के लिए खाना बनाने के लिए इन खनिजों का यूज़ करती है, और जिसमें क्या क्या होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, सनलाइट, सनलाइट से रिलेटेड है आपका जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे, एंड क्लोरोफिल का उपयोग करती हैं भोजन बनाने के लिए। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। सॉयल मीन्स मिट्टी, ये जो जितने भी हमारे खनिज मिनरल्स होते हैं वाटर होते हैं, वो इससे पौधे क्या करती है, पत्तियाँ इनसे ऑब्जॉर्ब करती है, उनको सोख लेती है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। और ये जो फिर इसके जो देखो यहाँ से रूट ने क्या किया, खनिज वाटर एंड मिनरल्स लिए, फिर इसकी स्टेम में गए, स्टेम के जरिए ये सभी पार्ट्स में अपने पहुँचाती हैं इन वाटर और मिनरल्स को। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीव्स फ्रॉम द एयर। जितनी भी ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो क्योंकि भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, तो ये कहाँ से प्राप्त करती हैं, ये हवा से प्राप्त करती हैं, एयर से। कौन करती हैं, पत्तियाँ। सन रेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी, और हमें लाइट की भी नीड होती है पत्तियों को भोजन बनाने के लिए, तो वो जो लाइट है वो कहाँ से मिलती है, वो सन रेज जो सूर्य का प्रकाश है उसकी रोशनी से प्राप्त होती है। सिंस दिस प्रोसेस टू टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण, जो हमने ये तीन चार इसके अब स्टेप पढ़े हैं, ये जितनी भी प्रोसेस होता है इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें सनलाइट की उपस्थिति जरूरी होती है। फोटो मीन्स, अब ये फोटोसिंथेसिस है इसको हम ब्रेक करेंगे, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपेयर करना, मतलब टुकड़े टुकड़े जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको, मतलब हर जैसे खनिज कहीं से, एयर कहीं से, उनको सिंथेसिस करना, प्रिपेयर करना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। ये जब प्रोसेस होता है इसके दौरान क्या होता है बच्चों, इसमें सूर्य की रोशनी, जितनी सूर्य की रोशनी होती है, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, जब पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को आउट करते हैं, मतलब अपने में से निकालते हैं, और वाटर वेपर को। द फूड मेड बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, तो ये फूड किसके रूप में बनता है, सिंपल शुगर या स्टार्च के रूप में बनता है। इसका एक फार्मूला है कि जो पत्तियाँ लीव्स जो भोजन बनाती हैं वो कैसे बनाती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए प्लस क्लोरोफिल और सनलाइट होनी चाहिए, फिर ये क्या बनाएगी, प्लांट्स फूड बनाएंगे किसके, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर के जरिए। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 12 पे, लीव्स द किचन ऑफ द प्लांट। जो लीव्स है पत्तियाँ, उनको प्लांट का रसोई कहा गया है। क्यों कहा गया है, आपको पता है जो पौधे होते हैं अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं, इसलिए ही लीव्स को द किचन ऑफ द प्लांट बोला गया है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, दे आर देयरफॉर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट।
तो पत्तियाँ अपना भोजन बनाती है, तो इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको एक लीव्स दिख रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इट हैज़ मैनी पार्ट्स। आपने कभी पत्तियों को देखा है? एक बड़ी सी पत्ती लेना, आप उसको देखना, ये देखो आप उसको देखना कि ये इसके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं। देखो ये जो है इसका द टिप ऑफ द लीफ, जो पूरी लीव्स की बिल्कुल टिप पे होती है, यहाँ पे कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं हम, अपेक्स बोलते हैं। यहाँ आएंगे ये जो लंबी सी जो ऐसे जाती है लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। मिड मीन्स बीच की, मिड रिब। द मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर, ये कहाँ पे जाती है, बिल्कुल सेंटर में जाती है। देखो ये पत्ती बिल्कुल सेंटर में है, इसके पत्ती के ये बिल्कुल। फिर हम ऐसे ऐसे जो लाइनें जा रही होती है, इसको क्या बोलते हैं, साइड वेन्स, शीराएं, जिसको बोलते हैं शीराएं। इन नंबर ऑफ वेन्स फाउंड ऑल ओवर द लीफ, आप ये जो इनकी जो लीफ, देखो ये कितनी सारी है, ये बहुत सारी होती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है, जो किससे, पेड़ से लगी होती है, पौधों से लगी होती है, लीव स्टॉक। दिस पार्ट अटैच ए लीव टू द स्टैम और ब्रंच, ये किससे अटैच होती है, स्टैम और ब्रंच। ब्रंच मीन्स टहनिया और स्टैम मीन्स तने से अटैच होती हैं। लैमिना, लैमिना ये जो हमारी जो साइड वेन जा रही है, जितनी भी बहुत सारी नंबर्स ऑफ वेन्स ये जो साइड के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। द ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट्स, ये भी जो लीफ होती है, इसके जो फ्लैट पार्ट होता है बिल्कुल, ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। नाउ टर्न द लीफ ओवर एंड लुक क्लोजली यूजिंग ए मैग्नीफाइंग लेंस। आपको पता है ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, अगर हम उसको किसे मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, देखो ऐसे, तो ये पत्ती कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। देयर आर मैनी टाइनी होल्स, इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं कॉल्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ, ये पत्ती के अंदर होते हैं। दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीथ, तो ये स्टोमेटा क्यों होते हैं और ये इनका कार्य क्या होता है, ये जो लीफ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पौधे होते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए ही ब्रीथ मीन्स सांस लेते हैं। वट हैपन्स टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स, क्या होता है जब पौधे भोजन बनाते हैं, तो क्या होता है, वो अपना जब भोजन बनाते हैं, जैसे हम भोजन बनाते हैं, भोजन बच जाता है तो हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। और जब पौधे भी भोजन बनाते हैं तो वो अपना भोजन कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। द प्लांट यूजेस द फूड टू ग्रो एंड लीव, प्लांट्स आल्सो स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम फॉर फ्यूचर यूज। जो पौधे होते हैं जब भोजन बनाते हैं, उनको ग्रो बढ़ने के लिए और जीने के लिए, पौधों को क्या आगे लाइफ तक वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो अपने जो फूड को होता है वो स्टोर करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड शीट्स। पौधों द्वारा तैयार किए गए जो अतिरिक्त भोजन होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड होता है, वो कहाँ पे भंडारित करते हैं, वो करते हैं अपनी रूट्स में, स्टेम में, फ्रूट्स में, फलों में और बीज में। द स्टोर्ड फूड कंटेन्स इन स्टार्च, ये किसके रूप में फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च, वो जो फूड है वो स्टार्च कहलाता है, तो उसके रूप में कंटेन करते हैं। वी ईट द फूड स्टोर्ड बाय द प्लांट्स, तो हम पौधों द्वारा संग्रहित भोजन को खाते हैं। लेट अस परफॉर्म दिस सिंपल एक्टिविटी टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन स्टार्च। अब हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ये स्टार्च होता कैसे है और हमें पता कैसे चलता है। स्लाइस इज
स्लाइस ए पटैटो इन टू। आप क्या करेंगे, एक आलू लेंगे, उसको दो स्लाइस में बीच में से काटेंगे। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू द स्लाइस। तो आप क्या करेंगे, आयोडीन की जो ड्रॉप्स होती हैं उस पर डालेंगे। किस पे डालेंगे, पटैटो के जो हमने स्लाइस उसको कट किया है उस पे डालेंगे। आयोडीन इज डीप ब्राउन इन कलर व्हेन स्टार्च कम इन कॉन्टैक्ट विद आयोडीन इट प्रोड्यूसेस ए डीप ब्लू कलर। तो क्या होगा, जब हम पटैटो पे डालते हैं, देखो ऐसे हमने ड्रॉप डाली तो वो कैसे कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है आयोडीन डालकर। जब हमने इसकी ड्रॉप डाली, यू विल फाइंड दैट द पार्ट ऑफ पटैटो ऑन विच आयोडीन इज एडेड। तो हमें पता होता है कि ये इसमें पटैटो में आयोडीन एडेड है। चेंज टू ए डीप ब्लू कलर, तो कैसे कलर का हो जाता है, बिल्कुल डीप ब्लू कलर का। दिस हैपन बिकॉज देयर इज अ स्टार्च इन पटैटो, इसलिए हमें पता होता है कि पटैटो में स्टार्च होता है। कैरोट रेडिश एंड टर्निप, टर्निप क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्निप मीन्स शलजम, एंड आर रूट्स विच स्टोर फूड। ये कहाँ पे भोजन को एक भंडार करके रखते हैं, इनका स्टोर करके। कैरोट रेडिश टर्निप ये सब क्या है, रूट्स हैं, रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। शुगर कैन एंड लोटस स्टैम, लोटस स्टैम किसको, कमल ककड़ी को बोलते हैं। आर द स्टैम इन विच फूड इज स्टोर, और ये कहाँ पे फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टेम में। फेनुग्रीक मीन्स मेथी स्पिनेच पालक कोरिएंडर धनिया मिंट एंड कैबेज, कैबेज पत्ता गोभी को बोलते हैं। आर सम एडेबल लीव्स, ये सब खाने योग्य पत्तियाँ होती हैं। सम ऑफ द शीट दैट वी ईट आर पी एंड चिकपी, और कुछ अपने बीज में भी फूड को स्टोर करके रखते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब हम किसके जो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं उनके बारे में समझेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, जो पौधों और पशुएं जानवर होते हैं उनको वो किस पे निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, पौधों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ऑल्सो प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको बताया था अभी मैंने, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है तो उसमें पौधे क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं, कौन सी गैस गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन गैस। एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमें किससे मिलती है, पौधों से प्राप्त होती है। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या होता है, एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल है जो अपने, हम लेते हैं, देखो हमने क्या लिया, सांस ली, फिर हमने जो गिव आउट किया, हमने जब बाहर निकाली तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ऐसे ही एनिमल करते हैं। टर्न नेक्स्ट पेज 14, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, जो पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, और प्रकृति में बनाए रखने के लिए प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए ये संतुलन आवश्यक है। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स करने हैं अपनी कॉपी में, आपको ये दिखा हुआ डेट लिखी हुई है, ये वाले कीवर्ड्स करने हैं, और आपको टू सम अप भी करने हैं अपनी कॉपी पे, डूइंग कॉपी। ओके बच्चों, जय हिंद बच्चों।